हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की फिजिक्स की पहले चैप्टर की। यानी प्यारे बच्चों, जो चैनल पे नए होंगे वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आज आप लोग के बारे आज के चैप्टर में या आज के लेक्चर में हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये। फिजिक्स का पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। ठीक, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस? यानी कोई प्लेन सरफेस है, उस पर प्रकाश का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसको हम लोग जानेंगे। और एक बात खास ये है कि आपको इस अध्याय में कितने टॉपिक के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपको जानना है प्रकाश, फिर दूसरा टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा है प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक है प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, पांचवा टॉपिक है आपका दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, और छठवा टॉपिक है पार्श्व उत्क्रमण के बारे में पढ़ेंगे। और इन छह टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके जो कि बोर्ड पेपर में चाहे लघुत्तरी हो, चाहे अर्धलघुत्तरी हो, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे दीर्घोत्तरी हो, हर एक क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे जैसे ही इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। और चैप्टर को समाप्त करने के बाद एक दिन आपका टेस्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, आइए समय को नुकसान ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर दिए होंगे। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली हेडिंग आज हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश, जिसकी इंग्लिश LIGHT, लाइट जिसे हम लोग कहते हैं, प्रकाश क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, प्रकाश, अगर प्रकाश न होता तो आज हम लोग इस दुनिया को नहीं देख पाते। यानी जब कोई जो प्रकाश होता है, एक प्रकाश, जब कोई प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, किसी वस्तु पे टकराती है, तो वस्तु पे टकराने के बाद जब वो हम लौटती है, तो जिसके कारण वो वस्तु हमको क्या कर होता है, दिखाई पड़ता है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमको क्या समझना है, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, आइए समझते हैं। हमने क्या बताया, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती, ऊर्जा होती है। तो जैसे ही ये मान लीजिएगा कि ये कोई प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु पे पड़ती हैं, जब ये प्रकाश किरणें ऐसे चल रही थी, और जब ये किसी वस्तु पे पड़ती हैं, ये कोई ऐसे वस्तु मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा ये कोई दीवार था या दीवार पे लटकी हुई कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिएगा ये कोई पेड़ ही था, ऐसा कुछ भी, एक इंसान ही मान लेते हैं। ठीक, जब ये कोई प्रकाश जो है किसी इंसान से टकराती है, तो जैसे ही ये प्रकाश किरणें इस इंसान से टकराती है, तो इंसान से टकराने के बाद अगर हम लोग इसको देखते रहते हैं, इस इंसान को देखते रहते हैं, और जैसे हमने कहा कि हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे यहाँ से, और ये कोई हम लोग भी एक प्रकार के ऐसे, एक मिनट डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग, तब चर्चा करते हैं, ध्यान समझिएगा। एक हमें ये समझिएगा, एक कोई इंसान ए है और ये कोई इंसान भी है। अब ये इंसान के पास लाइट थी, और लाइट से प्रकाश को जलाया और इस इंसान को देखना चाहा, तो जैसे ही इसके लाइट से निकलने वाली जो प्रकाश है वो सीधे जब चली, और चलने के बाद जब इस आदमी से टकराई, तो टकराने के बाद ये किरणें जो है ना, ये किरणें वापस लौटी, तो ये वापस लौटने के बाद हमारे आंखों को क्या करी, संवेदित करी, हमारे आंखों को संवेदित की, जिसके कारण ये इंसान हम लोगों को दिखाई पड़ता है। तो आप जरूर समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि वस्तु कैसे दिखाई पड़ती है, कैसे दिखाई पड़ती है, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती हैं, तो पड़ती को हम लोग कहते हैं आपतित होती हैं, पड़तित मतलब आपतित होती हैं, साइंस के भाषा में पड़ती पड़ती हैं को हम लोग आपतित कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पे आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात वह हमारे उस वस्तु से टकराने के बाद हमारे आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिसके कारण वस्तु हमको दिखाई पड़ता है।
तो डियर स्टूडेंट, जरूर आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग प्रकाश की परिभाषित कर लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो चलिए प्रकाश के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका प्रकाश का डिफिनेशन। क्या है, आप खुद एक बार पढ़ सकते हो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। सौरभ सर, फैनवा चालू कर दीजिए। ठीक, अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में जानेंगे। दूसरी टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक आता है, इसी से रिलेटेड आता है कि आपने भी जस्ट अगर हमने पढ़ाया था तो आप उसमें ध्यान दिए होंगे कि जो इंसान टार्च जला रहा था, जो जिस टार्च से प्रकाश निकल रहा था, उसे क्या कहेंगे? तो डियर स्टूडेंट, जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। तो दूसरी टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरी टॉपिक क्या आती है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइट, LIGHT, लाइट सोर्स, SOURCE, लाइट सोर्स क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश के ऐसे साधन, स्रोत का मतलब होता है साधन, स्रोत का मतलब होता है साधन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्रोत क्या होता है, साधन क्या होता है। तो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने वाले, जो साधन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। कैसे? जैसे हमको जो है लिखने की आवश्यकता पड़ी तो हमने मार्कर ले लिए, तो मार्कर क्या है? लिखने का साधन है। तो हमारी आवश्यकता को पूरी किया, प्यारे बच्चों। जैसे आपको क्या हुआ, आपको पढ़ने की आवश्यकता हुई तो आप लोगों ने बुक उठा लिए, तो बुक आपको क्या कर रहा है? आपकी आवश्यकता को पूरी कर रहा है ना। तो मानव की आवश्यकता को पूरी करने वाले, मानव की जरूरत को पूरी करने वाले क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम लोगों को प्रकाश की आवश्यकता पड़ी तो प्रकाश को देने वाले जो साधन कहलाते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करने वाले जो साधन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जैसे एक आग एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, तब हम लोग लिखेंगे क्या होता है प्रकाश स्रोत। कैसे? जैसे आपने एक कैंडल ले लिया, क्या ले लिए? कैंडल। अब इस कैंडल को जला दिए, तो इस कैंडल को जलाने के बाद इस प्रकार से इस पर क्या निकलने लगे? प्रकाश निकलने लगे। इस प्रकार इस पर क्या निकलने लगे? प्रकाश निकलने लगे। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या होता है कि हमने क्या कहा कि इससे प्रकाश क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो ये जो कैंडल हुआ ये क्या कहलाया? प्रकाश स्रोत कहलाया। यानी प्रकाश के वे साधन, जिनसे प्रकाश बाहर की तरफ निकलता है, जिनसे प्रकाश हमको मिलता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो आइए हम लोग प्रकाश स्रोत की डिफिनेशन लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में? प्रकाश के वे साधन, जिनसे प्रकाश बाहर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है
प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ दे सकते हैं सूर्य मोमबत्ती, जैसे एग्जाम्पल में हम जरूर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जैसे में क्या दिया जाए? जैसे हम यहाँ क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे बता सकते हैं मोमबत्ती। क्या मोमबत्ती? मोमबत्ती क्या करता है? प्रकाश देता है हम लोगों को। फिर बल्ब क्या है? विद्युत बल्ब। फिर सूर्य, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे आदि या इत्यादि, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिनसे आपको प्रकाश की उत्पादन होता है। अब प्यारे बच्चों, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लाइट सोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी लाइट सोर्स जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। अब क्या होते हैं उनको जानते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा आता है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक डियर स्टूडेंट, हमने क्या कहा? पहला आपका आता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो आइए प्यारे बच्चों, इसकी भी हम लोग देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। आखिर दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश के वे साधन जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, जो खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट? प्रकाश के वे साधन जिनसे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, जिनके पास प्रकाश खुद का होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उधर की तरफ चलेंगे कि हमको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप जो आपके घर में जो विद्युत बल्ब लगे होंगे, वो जो विद्युत बल्ब होंगे उनसे क्या वो प्रकाश किसी से लेने जाता है प्यारे बच्चों? क्या वो प्रकाश किसी से लेता है तब आपको देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। वो आप बटन चालू करते होंगे तो उनसे प्रकाश निकलने लगता है, वो जलने लगता है। जैसे आपने क्या किया, घर में पहले लालटेन या दीपक उपयोग में लाए जाते थे, तो लालटेन को हम लोग जलाते थे तो उनसे प्रकाश स्वयं निकलता था प्यारे बच्चों। तो यानी यहाँ हमको बात ये समझ में आ गई कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, वो क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, किसी दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जिनके पास खुद का प्रकाश ना हो, वो किसी दूसरे से दूसरे प्रकाश के कारण चमके, किसी दूसरे प्रकाश से चमके, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या प्यारे बच्चों, एक बार जरूर बताइएगा, क्या ये आपके हेडिंग क्लियर हो गए? ये हेडिंग आपको समझ में आ गया? अब आते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जरा सा ध्यान दीजिए, क्या आपने शीशा देखा है? कांच, दर्पण तो जरूर देखा होगा सर। जी सर, हमने दर्पण देखा, हमने शीशा देखा है प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, वो शीशा जो होता है वो अंधेरे में कभी नहीं चमकता। आप अंधेरे में शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो आप नहीं दिखाई पड़ोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग, आपके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, शीशे के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं है। शीशा पे जब प्रकाश पड़ता है तब शीशा चमकता है। तो प्यारे बच्चों, यानी जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। आइए लिख लेते हैं, ल्यूमिनियस सोर्सेस क्या होते हैं? जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो, जिनके पास स्वयं का लाइट ना हो, वो हमारे ल्यूमिनियस सोर्स कहलाते हैं। तो आइए लिखते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत
ऐसे प्रकाश के साधन, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे अगर आप जानना चाहोगे तो जरूर जैसे इसका आप जान लीजिएगा, जैसे अभी हमने बताया था आपको, जैसे में सूर्य, क्या सूर्य किसी से प्रकाश लेने जाता होगा? बिल्कुल नहीं, सूर्य स्वयं के प्रकाश से चमकता है। फिर हमने क्या बताया था? विद्युत बल्ब। क्या बताया था? विद्युत बल्ब। फिर मोमबत्ती। क्या? मोमबत्ती। ये सब क्या है? इनके पास स्वयं का प्रकाश है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। आते हैं अब हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, लिखते हैं इधर, इनका डिफिनीशन यहाँ लिख लेते हैं। जिनके पास अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे अगर आप इसमें देना चाहोगे तो जैसे आपको बताया गया दर्पण। क्या? दर्पण। फिर चंद्रमा, ठीक, आदि। तो डियर स्टूडेंट, कि आपको उम्मीद करते होंगे कि ये लाइट और प्रकाश स्रोत और आपके दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत जरूर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी हेडिंग में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स बना सकते हो प्यारे बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, अर्थात जिनसे स्वयं से प्रकाश निकलता है। तो आइए हम उसको दिखाते हैं, आपको एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जैसे आपने ये बल्ब देख रहे होंगे, हमने इस एग्जाम्पल में भी बताया था विद्युत बल्ब दीप्त प्रकाश स्रोत होता है। अब देखिए, इनसे प्रकाश अभी नहीं निकल रहा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अभी इनसे प्रकाश नहीं निकल रहा है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, इससे प्रकाश बाहर की तरफ निकलने लगेगा। तो ये इनके पास खुद का प्रकाश है, ये किसी प्रकाश लेने नहीं गए। देखना चाहेंगे आप, ये देखिएगा प्यारे बच्चों, अब ये देखिए इनसे ये क्या हुआ, इनसे प्रकाश बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हुआ। तो ये कौन से स्रोत कहलाए? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाए। यानी ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे प्रकाश स्वयं का हो, इनके पास स्वयं का प्रकाश है, किसी से लेने नहीं गए हैं, तो ये दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाए। ऐसे आप मोमबत्ती को भी ले सकते हैं, तो वैसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। तो जरूर उम्मीद करते होंगे कि अब आपको दीप्त प्रकाश स्रोत क्लियर हो गया होगा। फिर अभी हमने एक चर्चा किया था अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, तो अदीप्त प्रकाश स्रोत में हमने कांच का एग्जाम्पल लिया था कि कांच आपके अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, चंद्रमा आपके अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो आप एक बार जरूर देख सकते होंगे कि जैसे अगर आपने कोई एक कांच ले लिया, क्या ले लिया आप? एक कांच ले लिए। अब ये कांच पे जब प्रकाश पड़ेगा तभी ही ये कांच चमकीला दिखाई पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप एक बार जरूर देख सकते होंगे कि ये कुछ, तो डियर स्टूडेंट आपको कुछ ना तो हम दिखाई पड़ रहे होंगे, ना तो दर्पण दिखाई पड़ रहा होगा। उसका रीजन यही है कि इस समय प्रकाश की उपस्थिति नहीं है। तो हमने अपने हाथ में कांच लेके रखा है,
आपको उम्मीद करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये कांच आपको दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो हम लोग दिखाई पड़ रहे हैं, यानी ना हम और कांच दोनों अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। जैसे ही हमारे ऊपर किसी दूसरे का प्रकाश पड़ता है, वैसे ही हम लोग क्या होते हैं, चमकीले दिखाई पड़ने लगते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि अब आपको ये कांच जरूर दिखाई पड़ रहा होगा, जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो ये कांच आपको चमकीला दिखाई पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। एक छोटी सी प्रयास थी केवल आपको समझाने के लिए। डियर स्टूडेंट, अगर इस छोटी सी प्रयास को देखने के बाद अगर आपको मन करे कि वीडियो को लाइक कर दिया जाए, तो आप लाइक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपकी अगली टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जानेंगे भी और साथ साथ में समझते भी चलेंगे कि प्रकाश के गुण वास्तव में होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, कि जो ये प्रकाश होता है ना, इसको हम लोग देख नहीं सकते। जो आज तक आप लोग ये मान रहे होंगे कि प्रकाश को देख सकते हैं, तो प्रकाश को देखा नहीं जा सकता, बल्कि प्रकाश के उपस्थिति में किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे ये कमरे में प्रकाश की उपस्थिति है, तो प्रकाश अगर नहीं होता तो आप हमें नहीं देख पाते, ना तो आप किसी वस्तु को देख पाते, न तो ये आपका व्हाइट बोर्ड दिखाई पड़ता आपको। तो प्रकाश के उपस्थिति में किसी वस्तु को देख सकते हैं, बल्कि प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते, बल्कि किसी भी उसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखा जा सकता है। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या हो गया, दूसरा गुण ये है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गमन करती है। तो प्यारे बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो इन दोनों गुणों को लिख लेते हैं। सबसे पहला गुण क्या हमने बताया, प्रकाश, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है, स्वयं अदृश्य होता है, बल्कि अदृश्य का मतलब इसको हम देख नहीं सकते, बल्कि इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या बताया, दूसरा प्रॉपर्टी हमने आपको बताया कि जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। क्या करती है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या हो गए, क्लियर हो गए, प्रकाश एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में चलती है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो प्रकाश होता है वो उसकी जो चाल होती है वो हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। यानी जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, हवा में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। प्यारे बच्चों, तो यही इनके कहने का मतलब है कि विभिन्न माध्यमों में, यानी हर एक माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मिट्टी में यानी धूल कणों में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। तो यहाँ इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई प्यारे बच्चों। और चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी चौथी प्रॉपर्टी होती है कि निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को जरूर नोटिस कीजिएगा, प्रकाश की चाल कितनी होती है,
3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इतनी इसकी चाल होती है निर्वात में। डियर स्टूडेंट, इसकी अगली प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगली प्रॉपर्टीज होती है कि जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी माध्यमों में गुजर जाता है और अपारदर्शी माध्यमों को ये पार नहीं कर पाता। अब कहोगे सर पारदर्शी माध्यम क्या है, अपारदर्शी माध्यम क्या है? जैसे प्यारे बच्चों, जो प्रकाश होता है ये दीवार को पार नहीं कर पाएगा, तो दीवार क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। यानी ऐसे माध्यम जिनको प्रकाश पार नहीं कर पाता है वो हमारे अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं, और ऐसे माध्यम जिनको प्रकाश पार कर जाए वो पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। यानी प्रकाश पारदर्शी माध्यमों को पार कर जाता है और अपारदर्शी माध्यमों को पार नहीं कर पाता है। तो पारदर्शी माध्यम कौन होंगे? जैसे आपका कांच हो गया। कौन सा हो गया? कांच हो गया। तो कांच को क्या करता है? प्रकाश जो होता है वो पार कर जाता है प्यारे बच्चों। और इस इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में, जब अगला टॉपिक आएगा प्रकाशिक माध्यम। तो केवल यहाँ इतना जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है, अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर पाता। तो ये भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से पारदर्शी माध्यमों को पार कर जाता है तथा अपारदर्शी माध्यमों को पार नहीं कर पाता है, पार नहीं कर पाता है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है प्यारे बच्चों? चलिए, अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो सकती है? अब उन्होंने जब देखा गया कि प्रकाश जब किसी चमकीले वस्तु यानी किसी चिकने तल पे पड़ती है, किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ी, तो प्रकाश क्या हो गई? लौट गई। लौटने को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे कि कोई गेंद किसी दीवार से टकराई और टकरा के वो लौटी, तो गेंद को जो लौटी है वो क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। तो उसी प्रकार जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ी, तो चिकने पृष्ठ से क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो प्रकाश का एक गुण और होता है, क्या होता है? यानी जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ती है तो पड़ने के पश्चात वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो लिखना चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? प्रकाश चिकने पृष्ठों से परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार आप इनको बता सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, ये है आपका प्रकाश के गुण यानी लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट, तो एक बार हम लोग फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट? सबसे पहला हमने बताया कि प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते, हैं, बल्कि इस ये जहाँ रहेगा वहाँ आप सभी वस्तुओं को देख लोगे। तो इसे वो हमने लिखा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है बल्कि इसकी उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। दूसरा हमने क्या बताया? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, यानी एक सीधी रेखा में चलती है। फिर हमने क्या बताया कि जो विभिन्न माध्यम, यानी जब प्रकाश जल में रहता है तो उसकी चाल कुछ और होती है, कांच में रहेगा तो उसकी चाल कुछ और रहेगी, वायु में रहेगा तो उसकी चाल कुछ और होगी। तो उसको हमने कहा कि हर एक माध्यम में यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। फिर हमने क्या कहा कि जो निर्वात होता है उनमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर प्रकाश पारदर्शी माध्यमों को पार कर जाता है, यानी जो पारदर्शी माध्यम होंगे उनको प्रकाश पार कर जाएगा और जो अपारदर्शी माध्यम होते हैं उनको प्रकाश पार नहीं कर पाता। फिर हमने क्या बताया? अगर जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ती है, किस पृष्ठ पे पड़ती है? किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ती है तो पड़ने के पश्चात वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, यानी लौट जाती है। प्यारे बच्चों, एक लास्ट प्रॉपर्टीज आप जानना चाहो तो जान सकते हो प्यारे बच्चों कि लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है। जो प्रकाश होता है
उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब समझो प्यारे बच्चों, हमने जो लाइन बोला है उसको आप जरा सा समझिएगा, गौर से सुनिएगा कि जो प्रकाश होता है ना उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे तो उस बुक में भी लिखा पा जाओगे, तो समझोगे कैसे कि किसी चलने के लिए इसकी माध्यम क्या है क्या नहीं है प्यारे बच्चों। तो एक बार आपको जरूर बता देना चाहते हैं कि जैसे अगर आप पानी जो होता है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते रहते हैं, तो ले जाने के लिए या तो पाइप की या तो नाली की आवश्यकता पड़ती है। बोलो, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइप या नाली की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर हमने कहा कि वही प्रकाश को यहाँ से कुछ दूरी लेके जाना हुआ, तो यहाँ से प्रकाश जलाओगे तो प्रकाश वहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी नाली पाइप यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए, अगर हम आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार ज़रूर समझाते हैं कि जैसे आपने क्या कर लिया, ये कोई लाइट सोर्स हो गया, इससे प्रकाश बाहर की तरफ निकल रहा था। अब जैसे इस इंसान के पास, इस वस्तु के पास प्रकाश को पहुंचाना था, तो जैसे ही यहाँ पर लगी स्विच को आप ऑन करोगे तो ये प्रकाश यहाँ से चलने के लिए किसी भी इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे चलने वाली प्रकाश यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। तो इसी को कहा गया यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।